पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए किसी भी व्यक्ति को उत्तम दिनचर्या का विधिवत पालन करना आवश्यक है। हमें प्रयास करना चाहिए कि आयुर्वेद सम्मत अच्छे आचरणों का दैनिक जीवन में पालन करें। और आज हम बात करने जा रहे हैं उन महत्वपूर्ण अनुकरणीय एवं त्याज्य विषयों के बारे में, जिनमें प्रातः उठने से रात्रि में सोने तक के सभी आहार विहार, आचार विचार एवं व्यवहार आदि सम्मिलित हैं। आयुर्वेदिक शास्त्रों के अनुसार इनके निरंतर पालन करने से आयु, आरोग्य, प्रसन्नता एवं यश प्राप्त होता है। चर्या का अर्थ है आचरण। आचार शुद्ध होने से ही सुखायु प्राप्त होती है। प्रतिदिन किए जाने वाले नित्य कर्म, आहार विहार आचरण में आते हैं। अतः समय पर प्रतिदिन के कार्यों को करना ही दिनचर्या कहलाता है। सबसे पहले प्रातः जागरण के विषय में कहा गया है, प्राम्ये मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थमायुषः शरीर चिन्ताम् निर्वर्त्य कृत शौच विधिस्ततः। अर्थात स्वस्थ व्यक्ति को अपनी आयु की रक्षा के लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। प्रतिदिन सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है और इस समय में शय्या त्याग कर शौचादि से निवृत्त होना चाहिए। आयुर्वेद में दंत धावन अर्थात दातुन के लिए विशेष रूप से कहा गया है, अर्कन्यग्रोध खदिरा करंजग कुभादिजम प्रातर भुक्त्वा च मृद्वग्रम कषाय कटुतिक्तकम्। इसका तात्पर्य है कि आक, वट, खैर, करंज तथा अर्जुन आदि वृक्षों की अथवा कटु तिक्त कषाय रस वाले वृक्षों की दातुन का प्रयोग करना चाहिए। इसे प्रातः उठने के बाद और साथ ही भोजन के बाद करना श्रेयस्कर बताया गया है। अब बात करते हैं व्यायाम की। व्यायाम करना शरीर के लिए अत्यंत उपयोगी है और इसके अनेक गुण है। अष्टांग हृदय में कहा गया है कि लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तोग्निर्मेदस क्षय विभक्त घनगात्रत्वम व्यायामादुपजायते। व्यायाम से शरीर में हल्कापन, सभी कार्यों को करने की शक्ति आती है। अग्नि दीप्त होती है, शरीर के मेद का क्षय होता है। व्यायाम से शरीर के अंग सुघटित हो जाते हैं और शरीर में घनता भी प्राप्त होती है। साथ ही ध्यान रहे कि वात पित्तज रोगी, बालक, बहुत वृद्ध व्यक्ति तथा अजीर्ण के रोगियों को व्यायाम नहीं करना चाहिए। अपने बल से अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए क्योंकि अति व्यायाम करने से रोग उत्पत्ति भी हो सकती है। अपनी शक्ति से अधिक अथवा बताए गए नियमों से अधिक व्यायाम करने से प्यास का अधिक लगना, क्षय, प्रथमक श्वास, रक्त पित्त, थकान, क्लम, कास, ज्वर एवं वमन आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। बात करें यदि स्नान के गुणों की तो कहा गया है कि दीपनम वृष्यमायुष्यम स्नान मूर्जा बलप्रदम कंडूमल श्रमस्वेद तंद्रा त्रिड दाह पापमजित। इसका तात्पर्य है कि स्नान करने से अग्नि बढ़ती है, यह वृष्य एवं आयुवर्धक है। स्नान शरीर की शक्ति को बढ़ाने वाला तथा बलप्रद होता है। स्नान करने से खुजली, पसीना, तंद्रा, प्यास, जलन आदि दूर होते हैं। इतना ही नहीं, आयुर्वेद में इंद्रियों पर निग्रह आदि का वर्णन भी किया गया है। न पीड़येत इंद्रियाणि न चैतान्यति लालयेत। अपने ज्ञानेन्द्रियों एवं कर्मेंद्रियों को न तो अधिक पीड़ित करे तथा न अधिक विलासिता में या सुख में डाले। इंद्रियों को हमेशा सम रखना चाहिए। क्षौर कर्म के विषय में वर्णन करते हुए आचार्य वाग्भट कहते हैं, बाल, नाखून, दाढ़ी, मूछ सदैव कटवा कर रखना चाहिए। पैर, नाक, कान आदि को स्वच्छ रख कर मैल को दूर करें। प्रतिदिन स्नान कर सुगंधित चंदनादि का अनुलेपन करें। सुंदर, स्वच्छ एवं धोए हुए वस्त्र को सदैव धारण करें। इस प्रकार उत्तम दिनचर्या के पालन का निर्देश आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व हमारी संस्कृति में भारतीय मनुष्यों द्वारा लिखित रूप में किया गया है, जिससे चिरकाल तक मानव समाज अभिभूत होता आ रहा है। नीतीश भारद्वाज, DD News।